करके भी अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें उतना ही सफल देने के लिए सरकार भी और भारतीय हर भारतवासी भी अपने आप को प्रतिबद्ध पाता है। आज इसी का परिणाम है कि 1999 के बाद भारत ने अपने यहां जो स्थिति पैदा की, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण जब किसी देश के अंदर बनता है वह वातावरण उसकी संप्रीति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जब आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है तो अमृत काल के अंदर विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्व से ओपन करके हम देश के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरा और तेरे के भाव को समाप्त करते हुए देश सर्वोपरि है, पहले देश का हित और फिर कुछ और, इस भाव के साथ कार्य करने का यह संकल्प ही है जो आज भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। आजादी के अमृत काल में भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और कोई कारण नहीं अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब समृद्धि के एक नए सोपान को स्थापित करते हैं। हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने का जो संकल्प है उस संकल्प को आज चरितार्थ किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड पर तेजी के साथ विकसित हो रहा है। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज मेरे लिए गौरव की बात है कि नगर विकास और नगर निगम मगनों के द्वारा आयोजित आज के इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुझे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, वीर परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज जिन्हें यहां पर सम्मानित किया है, कैप्टन मनोज पांडे के परिवार के सदस्य, उनके पूज्य पिता श्री गोपीचंद पांडे जी के सदस्य, उनके पूज्य पिता श्री गोपीचंद पांडे जी, लांस नायक केवलानंद त्रिवेदी जी के उपस्थिति में उनकी यहां पर पत्नी श्रीमती कमला देवी जी को, राइफल में सुनील जंग, उनकी बहन श्रीमती सुनीता, उनके बाद यहां सम्मानित किया गया और मेजर रितेश शर्मा के पूज्य पिता श्री संत प्रकाश शर्मा जी को यहां पर आज सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं कि 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम लोगों ने राज्य सरकार की ओर से भी उन वीर परिवारों को राज्य सरकार के स्तर पर भी सहयोग करने का निर्णय लिया। यह सच है कि जिन लोगों ने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए किया है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। देश के लिए, मातृभूमि के लिए स्वयं का बलिदान सर्वोच्च त्याग है, लेकिन अगर हम भी उन परिवारों का संबल बनकर के खड़ा हो सके तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा खड़ी हो सकती है। और उसी जिससे राज्य सरकार ने तय किया कि जो परिवार देश की सीमा की सुरक्षा करते थे, जो जवान देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, उन वीर जवानों के परिवारों के लिए शहीद होने पर राज्य सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद अपनी ओर से करेगी। परिवार
उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए कोई स्मृति का या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी मार्ग का नामकरण करने का कार्य करेगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार हम अपने भारत माता के महान सपूतों को आज इन सेवाओं के माध्यम से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वीर परिवारों का अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के साथ पूरी तरह खड़ी है और सदैव आपके हितों के लिए जिस भी स्तर के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। इस विश्वास के साथ कारगिल विजय दिवस की आप सबको हृदय से बधाई, सभी वीर परिवारों को मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो देखिए कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने शहीदों को